हेलो एवरीवन, इन दिस ट्यूटोरियल वी विल सी सम डिफरेंस बिटवीन बीएफएस एंड डीएफएस। दीज आर ग्राफ ट्रावर्सल एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स। आइडिया, बेसिक आइडिया वाइज क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, पहले हम ये देखते हैं। ओके, बीएफएस वर्क्स लेवल वाइज। सो सबसे पहले हम फर्स्ट लेवल पे जितनी भी नोड्स हैं उनको ट्रावर्स करेंगे, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट लेवल। डेट मीन्स इस लेवल पे जितनी भी नोड्स हैं उनको पूरा ट्रावर्स करेंगे, एंड इन दिस वे पूरे ग्राफ में जितने भी लेवल्स है सबको वन बाय वन ट्रावर्स करेंगे। बट इन केस ऑफ डीएफएस इट इज़ इन डेप्थ ट्रावर्सिंग एल्गोरिथम। डेट मीन्स हम एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेंगे, ए टू बी देन बी टू डी। जैसे ही वो पाथ ख़त्म हो जाएगा हम लोग बैक ट्रैक करेंगे। नाउ डी से बैक ट्रैक करके हम वापस बी के पास गए, बी के पास चेक करेंगे क्या और कोई पाथ है बी से। येस, देयर इज़ वन मोर पाथ फ्रॉम बी, डैट इज़ बी टू ई, देन ई टू एच, देन एच टू आई। जैसे हम आई के पास आ जाएंगे अगेन हमारा पाथ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। हम फिर से बैक ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे, आई से एच के पास गए, देन एच टू ई। जब तक हमें न्यू पाथ नहीं मिलेगा हम तब तक बैक ट्रैक करते रहेंगे, ई टू बी, बी से भी कोई और पाथ नहीं जा रहा है, बी टू ए। नाउ वी कैन सी ए से एक और पाथ हमारा पॉसिबल है, सो वी विल फॉलो डेट पाथ ए टू सी, देन सी टू एफ या जी। आप कहीं भी जा सकते हैं, इट्स अप टू यू, बस हमें जितने भी पॉसिबल पाथ है सबको फॉलो करना। सो डी एफ एस इज इन डेप्थ ट्रावर्सल, वेयर एज बी एफ एस इज लेयर वाइज ट्रावर्सल। बी एफ एस स्टैंड्स फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डी एफ एस स्टैंड्स फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च। बी एफ एस में हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वेयर इज इन DFS we use stack data structure. BFS is vertex based algorithm. Level by level vertex को हम access करते हैं, whereas DFS is edge based algorithm. The structure of the constructed tree. At the end of our algorithm जो tree हमारा मिलेगा जो BFS है that is wide and short. Because level wise level जा रहे हैं तो एक एक level को हम explore कर रहे हैं, whereas in BFS it is narrow and long, क्योंकि एक path को आप पूरा end तक access कर रहे हैं. Okay, BFS is more efficient when target is closer to source, क्योंकि हम सारे neighbors को पहले access करते हैं, whereas in DFS it is better when our target is far from source, क्योंकि एक particular line हम पूरी traverse करते हैं. के बी एफ एस इज स्लोअर देन डी एफ एस. नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी फॉर डिसीजन ट्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बी एफ एस में हम पहले सारे नेबर्स को कंसिडर करते हैं, इसलिए हम इसको पजल गेम्स में यूज़ नहीं करते हैं, उसमें हम फॉलो करते हैं डी एफ एस एल्गोरिथम, क्योंकि हम एक डिसीजन लेते हैं उसको पूरे लास्ट तक फॉलो करते हैं, एंड अगर हम लकी हैं तो उसी एक ही डिसीजन के बेस पे हम पूरी पजल को सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज हम बैक ट्रैक करते हैं, and this is the process in DFS. Okay, BFS is more optimal in finding the single source shortest path. क्योंकि BFS में हम एक vertex में minimum number of edges में पहुंच जाते हैं, whereas in DFS it is not that much optimal as compared to BFS in finding the shortest path. Okay, some applications of BFS is peer-to-peer network, web crawler. ये हम कर चुके हैं last BFS के tutorial में. बाइपार्टाइट ग्राफ, कनेक्टेड कॉम्पोनेंट, वेयर इज एप्लीकेशंस ऑफ डी एफ एस इज स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ फाइंड आउट करना, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग चेक करना, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बी एफ एस एंड डी एफ एस इज सेम, दैट इज ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई, वेयर वी इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, ई इज द नंबर ऑफ एजेस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स.